हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े ओटीटी रिकमेंडेशंस वॉर वॉल्यूम नंबर 35 में। इस शो में मैं सिलेक्ट करता हूँ 6 टाइटल्स जिनमें होते हैं 3 गुड टाइटल्स, 2 बेटर टाइटल्स और 1 होता है बेस्ट टाइटल। ये टाइटल्स फिल्में हो सकती हैं, वेब सीरीज हो सकती है या डॉक्यूमेंट्रीज हो सकती हैं और ये किसी भी भाषा की हो सकती है। वैसे भी कंटेंट किसी भी भाषा का क्यों ना हो, उसकी सबटाइटल्स की सहूलियत तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर है ही है। आज मार्च 2021 की वॉल्यूम नंबर 35 के 3 गुड टाइटल्स में तीसरा टाइटल है साजन बेकरी सिंस 1962 अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। ये मलयालम सोशल कॉमेडी ड्रामा फीचर फिल्म है जो स्ट्रीम हो रही है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर 12 फरवरी 2021 से और इसे डायरेक्ट किया अरुण चंदू ने। कहानी सेट है केरला के छोटे से गांव रणी में, जहां साजन नाम का शख्स एक बड़ी फेमस बेकरी चलाता है। उसके बच्चों की आपस में नहीं बनती और धीरे धीरे ये नोकझोंक सीरियस इश्यूज में तब्दील हो जाती हैं और बात राइवल बिजनेस से सेट करने तक पहुंच जाती हैं। बड़ी ही सिंप्लिसिटी, लीनियरिटी और ऑनेस्टी के साथ अप्रोच होती है ये फिल्म, जो रिलेशनशिप्स की डेप्थ और वॉर्म्थ को बड़ी खूबसूरती के साथ पोर्ट्रे करती हैं। दूसरा टाइटल है बिली एलिश द वर्ल्ड इज लिटिल ब्लरी एप्पल टीवी प्लस पर। यह इंग्लिश डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो इस जनरेशन की पॉप सेंसेशन बिली एलिश के स्टारडम और उसके बैकग्राउंड को एनालाइज कर रही है और यह स्ट्रीम हो रही है एप्पल टीवी प्लस पर 25 फरवरी 2021 से। यह अमेरिकन सिंगर सॉन्ग राइटर एक अजूबाई है जो इस वक्त 20 साल की उम्र में 5 ग्रैमी अवार्ड्स, 2 अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स, 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, 3 एमटीवी वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स, 1 ब्रिट अवार्ड सारी जीत चुकी है और इस वक्त ये यंगेस्ट आर्टिस्ट है जिसने एक ही साल में 4 कैटेगरीज में ग्रैमीज जीते हैं, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर और एल्बम ऑफ द ईयर। इस सिंगर के पहले एल्बम को रिकॉर्ड करने का स्ट्रगल और फिर उसका सक्सेस बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से कैप्चर किया है डायरेक्टर आर जे कटलर ने। और इंस्पायरिंग है ये डॉक्यूमेंट्री। पहला टाइटल है निनीला निनीला जीप्लेक्स पर। ये तेलुगु रोमांटिक कॉमेडी है जो तमिल में डब हुई है थीनी नाम से और अब ये रिलीज हुई है जीप के पे पर व्यू वाले आम जीप्लेक्स पर 26 फरवरी 2021 को। इसे डायरेक्ट किया डेब्यूटांट अनी ससी ने और कहानी एक शेफ की है जिसने लंदन के एक रेनाउंड रेस्टोरेंट में नौकरी शुरू की है और उसे मसल स्पैम्स आते रहते हैं। उसकी कोवर्कर को ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब कैसे इन दोनों स्ट्रेंज फूडीज की रिलेशनशिप डेवलप होती है वो है ये 118 मिनट की फिल्म, जिसकी स्टारकास्ट में अशोक सेल्वन, रितु वर्मा और नित्या मेनन। नित्या मेनन करीब 2 साल के गैप के बाद दिखाई दे रही है तेलुगु सिनेमाज में। इन 3 गुड टाइटल्स के बाद आते हैं हम बेटर टाइटल्स पर। इन 2 टाइटल्स में दूसरा टाइटल है गर्ल्स हॉस्टल सीजन 2 सोनी लिव पर। ये मॉडर्न यंग कॉमेडी वेब सीरीज है जो अपने दूसरे सीजन के 5 एपिसोड्स के साथ स्ट्रीम हो रही है 19 फरवरी 2021 से और ये इस हिट सीरीज के 2018 के फर्स्ट सीजन का ही एक्सटेंशन है। कहानी वही है, 2 ग्रुप्स, मेडिकल स्ट्रीम और डेंटिस्ट्री स्ट्रीम की राइवलरी की, जिसमें वो सारे एलिमेंट्स हैं जो हमें नॉस्टैल्जिक भी कर सकते हैं और साथ ही साथ अपडेट भी कर सकते हैं। ग्रुप सेशंस, स्लीप ओवर्स और कैट फाइट्स के अलावा है इलेक्शंस का तड़का जो इस सीजन को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। स्टारकास्ट में एहसास चान्ना, सृष्टि श्रीवास्तव, पारुल गुलाटी, सिमरन नाटेकर, श्रेया मेहता और गगन अरोरा। और पहला बेटर टाइटल है मर्डर अमंग द मॉर्मन्स नेटफ्लिक्स पर। ये एक अमेरिकन ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री मिनी सीरीज है जिसके 3 एपिसोड्स हैं और ये स्ट्रीम हो रही है 3 मार्च 2021 से। इसमें कहानी एक फोर्जर की है जिसका नाम है मार्क हॉफमैन, जो कई सालों तक मॉर्मन चर्च को फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ धोखा देता रहा है और यहाँ तक कि उसने चार्ल्स डिकिन्स, मार्क ट्वेन और एमिली डिकिन्सन की किताबों पे भी फोर्जरी की है। इन सारी धोखाधड़ी में 2 मौतें हुई जिसके कारण उसे पकड़ा गया और फिर उसे सजा हुई। डायरेक्टर है जेड हेस और टाइलर मीसन और डॉक्यूमेंट्री का प्रोडक्शन वैल्यू, अप्रोच और पेस काफी इंटरेस्टिंग है और कैप्टिवेटिंग भी। और इसी के साथ आ गए हैं हम इस शो के क्लाइमेक्स पर, यानी कि इस वॉल्यूम के नंबर 1 बेस्ट टाइटल पर। आज का नंबर 1 टाइटल है बिगिनिंग मूवी पर। यह जॉर्जियन फ्रेंच ड्रामा फीचर फिल्म है जो पिछले साल मई 2020 में कांस फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्टेड थी, लेकिन पैंडेमिक के कारण स्क्रीन नहीं हो सकी थी।
इसका प्रीमियर किया गया था 2020 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, और इसके अलावा इसने कई सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शुमार किया है। कहानी रोमानिया की एक रिलीजियस लीडर के वाइफ की है जो पैट्रियार्कल रिलीजियस कम्युनिटी से विद्रोह करती हैं और सारे रूढ़िवाद और परंपराओं के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। कहानी प्रोग्रेसिव भी है और शॉकिंग भी, इंटरेस्टिंग भी है और कुछ डिप्रेसिंग भी, लेकिन ओवरऑल ग्रिपिंग है। टी कुलुम्बे गाश्वी का डायरेक्शन है और एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस आउटस्टैंडिंग है। तो ये थी इस वीक की फेरिस्त। अगर हम सम अप करें सारे टाइटल्स को तो तीन गुड टाइटल्स में तीसरे नंबर पर है साजन बेकरी सिंस 1962 अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। दूसरा टाइटल है बिली एलिश द वर्ल्ड इज लिटिल ब्लरी एप्पल टीवी प्लस पर, और पहला टाइटल है नीनीला नीनीला जी प्लस पर। दो बेटर टाइटल्स में दूसरा टाइटल है गर्ल्स हॉस्टल सीजन 2 सोनी लिव पर, और पहला टाइटल है मर्डर अमंग द मॉर्मन्स नेटफ्लिक्स पर। इस वीक का बेस्ट टाइटल है बिगिनिंग मूवी पर। और इसी के साथ आ गए हम इस शो के कंक्लूजन पर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करें और शेयर करें इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।